हर खबर को जानना आपका हक है। उसे आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज। हमारी भरपूर कोशिश रहती है इस रीजन की हर खबर को पहुंचाएं आप तक। निष्पक्षता से, निडरता से, अवैध संबंधों के चलते प्रेमी के साथ मिलकर करवाए पति की हत्या। शिवदासपुरा थाना ने कार्रवाई करते हुए 18 दिन पुराने कुएं में मिली लाश की पहचान कर 24 घंटे में खुलासा कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते पुलिस ने प्रेमी के साथ मिलकर करवाए पति की हत्या। योगेश गोयल IPS पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण ने बताया कि थाना शिवदासपुरा पर बाबूलाल मीना पुत्र गोपाल मीना जाति मीना उम्र 53 वर्ष निवासी गाँव झनुन थाना बोली जिला सवाई माधोपुर सीताराम पुत्र गंगाराम मीना जाति मीना उम्र 24 वर्ष निवासी नवरत्नपुरा थाना कोटखावदा जयपुर ने दर्ज करवाया कि प्रार्थी का भतीजा राकेश मीना पुत्र राम निवास मीना निवासी झनून तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर अपनी पत्नी फूला देवी और अपने 2 साल के बच्चे के साथ लेकर वसुंधरा कुटुम्ब सी ब्लॉक बेलवा में किराए से रहते थे। राकेश की पत्नी फूला देवी एक कृष्ण नाम के लड़के से संपर्क में रहती थी तथा राकेश की गैर मौजूदगी में भी उससे मिलती थी, तो इस बात पर राकेश अपनी पत्नी से ऐतराज करता था। दोनों में झगड़ा भी हो जाता था। राकेश ने मुझसे मिलकर यह बात बताई थी और साथ ही यह भी बताया था कि कृष्ण कुमार का राकेश के पास उस दिन फोन आ रहा था और मिलने के लिए बुला रहा था, जिसके चलने पर राकेश की जान को खतरा था, इसलिए मैंने उसे आगाह किया था। उसके बाद राकेश मेरे पास से चला गया था। उसके बाद राकेश अपनी मोटरसाइकिल सहित गायब हो गया। मैंने और राकेश के दोस्त सीताराम मीना ने राकेश को तलाश करने में उसके बारे में जानकारी का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। राकेश की पत्नी फुला ने भी संतुष्टिपूर्ण जानकारी नहीं दी। शिवदासपुरा थाना प्रभारी कैलाश डोई ने जानकारी देते हुए बताया कि राकेश की पत्नी फूला देवी व कृष्ण कुमार ने मिलकर राकेश मीना की हत्या कर दी और उसकी लाश को छुपाने के लिए एक कुएं में डाल दिया। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान कैलाश उप निरीक्षक द्वारा शुरू किया गया। सीताराम मीना के द्वारा राकेश के गुम होने की रिपोर्ट पर थाना शिवदासपुरा पर गुमशुदगी दर्ज हुई थी। वॉटिक चंदलाई रोड पर स्थित एक कुएं के अंदर एक लाश होने की सूचना पर ACP चाकसू थाना अधिकारी सांगानेर सदर मौके पर पहुंचे एवं सिविल डिफेंस की टीम यूनिट को बुलाकर मौके से साक्ष्य एकत्रित करवाए तथा मृतक की बॉडी महात्मा गांधी अस्पताल सीतापुरा जयपुर के मुर्दाघर में रखवा गया। मृतक की पहचान राकेश के रूप में हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी हेतु आरोपी की तलाश करने हेतु अलग अलग टीमें गठित की गई। अनुसंधान के दौरान शिवदासपुरा थाना प्रभारी कैलाश एवं पुलिस थाना सांगानेर सदर की संयुक्त टीम के सदस्य आशुतोष उप निरीक्षक संदीप की टीम ने FIR में नामजद आरोपियों श्रीमती फूला उर्फ पूजा को तथा कृष्ण कुमार को दस्तयाब कर अनुसंधान में पेश किए जाने पर अनुसंधान किया गया। आरोपी पूजा का आपस में संबंध होना, अपना रास्ता साफ करने के लिए पति राकेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। गहन तफ्तीश की तो बताया कि राकेश को मारने की योजना पत्नी पूर्व प्रेमी ने ही बनाई, जिस पर कृष्ण कुमार अपने ही गांव के दिलखुश मीना कार चालक विजेंद्र से मिलकर राकेश की हत्या कर लाश को मोहनपुरा चलाई रोड पर एक कुएं में डाल दी। इस पर चारों को गिरफ्तार किया गया तथा लाश को ठिकाने लगाने के सहयोगी साथी विजेंद्र और विजय की कार को काम में लेना सामने आया। विजेंद्र चालक की तलाश जारी है। मृतक की मोटरसाइकिल मुलजिम कृष्ण कुमार के कब्जे से बरामद की गई है। प्रकरण में वारदात में प्रयुक्त हथियार कार बरामद करने मुलजिम विजेंद्र उर्फ विजय की तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजिम से गहन अनुसंधान जारी है। उक्त वारदात को खोलने में अपराधियों की गिरफ्तारी के में महत्वपूर्ण भूमिका थाना सांगानेर सदर प्रभारी आशुतोष निरीक्षक संदीप चौधरी शिवदासपुरा थाना उप निरीक्षक कैलाश डोई रहे।